वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने भोपाल दौरे के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि यह पार्टी अध्यक्ष के साथ ही सौजन्य मुलाकात थी। वहीं कांग्रेस के किसान जागरूकता सम्मेलनों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने किसानों से छल किया है, वो क्या किसानों के हित की बात करेंगे। सर अभी अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई, मेरा तो रिश्ता अध्यक्ष जी के साथ है, सौजन्य भेंट है। मैं भोपाल आया हूँ, मेरे पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो सौजन्य भेंट हम लोगों ने की, चर्चा की। कमलनाथ जी आंदोलन करने जा रहे हैं, किसान आंदोलन। अरे जिस पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों के साथ इतना वादा खिलाफी की हो, धोखाधड़ी की हो, वो क्या किसानों के हितों में आंदोलन कर पाएंगे। कार्यकारिणी को लेकर कुछ बात हुई भाई? नहीं।